नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बच्चों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम टॉर्टिकोलिस के बारे में। टॉर्टिकोलिस, जिसे सामान्य भाषा में राई नेक कहा जाता है या ट्विस्टेड नेक भी कहा जाता है। इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में बच्चा अपनी गर्दन एक तरफ ही रखता है। पेरेंट्स ये शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे की गर्दन एक तरफ ही रहती है, बच्चा दूसरी तरफ टर्न नहीं कर पाता है। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कारण ये होता है इस बीमारी का कि आपकी जो गर्दन की एक तरफ की जो मसल्स है, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल, इसके अंदर ये मसल टाइट हो जाती है, बच्चे की कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये गर्दन एक तरफ टर्न हो जाती है बच्चे की, बच्चा दूसरी तरफ टर्न नहीं कर पाता। सभी बच्चों में नहीं होती, कुछ बच्चों में होती है, ख़ासतौर से उन बच्चों में जब गर्भावस्था के दौरान यूट्रस में जो जगह कम होती है उसकी वजह से, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से बच्चे की जो ये मसल है डैमेज हो जाती है। सामान्यतः फर्स्ट जो डिलीवरी होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है प्रॉब्लम। ये ट्विंस वगैरह होते हैं या ब्रीच पोजीशन होती है, या आपके गर्भाशय के अंदर जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे इसमें एक्चुअल में जो भी सिम्टम्स होते हैं। बच्चे की जो गर्दन है अधिकतर ये राइट साइड में इन्वॉल्व होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है राइट साइड में होती है। तो सपोज कीजिए राइट साइड की ये मसल अगर कंट्रैक्ट होती है तो इस कंडीशन में जो ये चिन होती है बच्चे की, ये अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है और जो बच्चे का जो राइट साइड में ईयर है ये नीचे की तरफ इस तरह से झुक जाता है। तो ये क्लासिकल पोजिशन होती है, इस पोजिशन बच्चा इस तरह से रहता है, ठीक है। और बहुत उसको मुश्किल होती है दूसरी तरफ टर्न करने में, बच्चा टर्न नहीं कर पाता। तो यह इस पोजीशन में रहने की वजह से बच्चे को कई प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा सिर्फ एक तरफ से दूध पी पाता है, दूसरी तरफ से पी नहीं पाता क्योंकि वो टर्न नहीं कर पाता। खेलते समय भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों में शुरू में यहाँ पर स्वेलिंग भी देखी जा सकती है, जिसे स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड ट्यूमर कहा जाता है। अगर ये प्रॉब्लम लगातार रहे और ट्रीट नहीं की जाए तो फिर धीरे धीरे बच्चे का जो फेशियल है उसमें उसकी सिमेट्री बिगड़ सकती है। उसका जो बच्चा, क्योंकि लगातार एक ही पोजीशन में सो पाता है, तो बच्चे का जो सर है वो पीछे से फ्लैट हो सकता है, जिसे फ्लैट हेड कहा जाता है। लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम रहे और करेक्ट नहीं की जाए तो फिर बाद में बहुत मुश्किल से ठीक हो पाती है। डायग्नोसिस के लिए कुछ किसी भी तरह की कोई जांच की विशेष आवश्यकता नहीं होती। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की होती है कि इस कंडीशन में कुछ बीमारियां होती है बच्चे की, वो एसोसिएट हो सकती है, उनको रूल आउट करना ज़रूरी है। जैसे कि फ्लैट हेड, जैसा मैंने बताया, इसके बच्चे के साथ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में बच्चे के हिप्स में भी कुछ केसेस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस लिए आपको चिकित्सक को दिखाना ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉब्लम भी रूल आउट की जा सके। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और अधिकतर केसेस के अंदर ये बीमारी आसानी से ठीक की जा सकती है। ट्रीटमेंट के लिए तीन पॉइंट्स का इस बीमारी में ध्यान रखा जाता है। तीन पॉइंट्स है ट्रीटमेंट के। पहला पॉइंट है पोजीशन, सेकंड होता है स्ट्रेचिंग का और थर्ड होता है स्ट्रेंथनिंग का। फर्स्ट जो है पोजीशन, पोजीशन का मतलब यह है कि बच्चे की पोजीशन को जहाँ तक हो सके आप मिड लाइन पोजीशन में रखें। जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, तो कोशिश करें कि बच्चे को आप जब भी सुला रहे हो, बच्चे को जब आप गोद में रखे हुए हो, झूले पे हो या पेट के बल पे हो, किसी भी अवस्था में हो, आप कोशिश करें कि बच्चे की जो गर्दन है वो मिडलाइन पोजीशन में रहे। मिडलाइन पोजीशन सबसे नेचुरल पोजीशन होती है, तो उसमें रहना ज़रूरी है ताकि एक तरफ की मसल्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहे, जो मसल टाइट है मेन प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ की मसल थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आ सके। तो पोजीशन का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट जो ट्रीटमेंट का है वो है स्ट्रेचिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पैसिव स्ट्रेचिंग की जाती है, जो भी इन्वॉल्व मसल होती है, जिस साइड के भी इन्वॉल्व मसल है वहाँ की पैसिव स्ट्रेचिंग की जाती है। दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेटरल रोटेशन, गर्दन का लेटरल रोटेशन, गर्दन को रोटेट करना आपको। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बच्चे को एक फर्म हार्ड सरफेस पे लेटा देवे कंफर्टेबल पोजीशन में, उसके बाद बच्चे का शोल्डर जो है एक तरफ का वो आप इस तरह से स्टेबलाइज कर ले
और उसके बाद आप गर्दन को आपको धीरे धीरे रोटेट करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ज़्यादा आप जोर नहीं लगाए बिल्कुल भी, और आप दोनों तरफ रोटेट कीजिए इसको। एक तरफ आप जैसे इस तरह से रोटेट आपने किया शोल्डर को स्टेबलाइज करके, उसके बाद आप 30 सेकंड तक वेट कीजिए और उसके बाद आप वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आए। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको रोटेट करना है। तो ये इस तरह से आप 5 से 10 बार तक कीजिए, और दिन भर में 3 से 4 दफ़े तक ये कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग वाला, उसमें आपको जो हेड है उसको टिल्ट करना है। इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हेड को आपको दोनों डायरेक्शन में, आप उसी तरह से आपको ये शोल्डर को स्टेबलाइज करना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आप बच्चे की जो हेड है उसको आप इस तरह से टिल्ट कीजिए। टिल्ट करने के बाद वही 30 सेकंड तक आपको वेट करना है, और उसके बाद आप वापस पूरे नॉर्मल पोजिशन में ले आए। उसके बाद फिर से अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको टिल्ट करें, फिर आपको 30 सेकंड तक वेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रेचिंग की जाती है, इसको पैसिव स्ट्रेचिंग कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाए, ध्यान रखें इस कंडीशन में, और बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में हो। बच्चा पर्टिकुलरली आप बेस्ट जो टाइम होता है जब बच्चा दूध पी लेता है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आधे घंटे बाद किया जा सकता है। जो तीसरा पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, वो है स्ट्रेंथनिंग। इसमें एक्टिव स्ट्रेंथनिंग की जाती है, बच्चे को प्रमोट किया जाता है ताकि बच्चा खुद अपनी गर्दन का मूवमेंट करे नॉन फेवर्ड साइड पे। जैसे कि बच्चा लेटा हुआ है तो आप सुलाते समय बच्चे को दीवार की तरफ मुंह करके सुलाएं, तो नॉर्मली बच्चा जो है दीवार की तरफ नहीं देखेगा, वो आप बच्चे की मदर को देखना चाहेगा या जो भी घर में बाकी मेंबर्स हैं उनको देखना पसंद करेगा, तो वो टर्न करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से आप जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो भी आपको उस साइड से उसको दूध पिलाने की कोशिश करें जहाँ से उसको मुश्किल आ रही है, ताकि वो जिस टाइम भूखा उस टाइम पर्टिकुलरली करे, ताकि वो उसको गर्दन को टर्न करने की कोशिश करे। जैसे टर्न करेगा तो गर्दन जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। और इसी तरह से आप बच्चे को जब खिला रहे हो तो पर्टिकुलरली जो आप जैसे कुछ खिलौना या कुछ आवाज़ वाला कलरफुल खिलौना, उसके आप अपोजिट साइड से उसको खिलाएं, उसको अपोजिट साइड से उसको दिखाएं जहाँ से बच्चा टर्न नहीं कर पा रहा अपनी गर्दन को, तो उसको देखने के लिए बच्चा जब उसके जो है खिलौने की आवाज़ सुनेगा और तो कोशिश करेगा उसकी तरफ टर्न करने की, देखने की, तो ऑटोमेटिकली उसका मूवमेंट होगा। तो इसी को एक्टिव मूवमेंट्स कहा जाता है। इसी तरीके से जो आप जब बच्चा जग रहा होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टमी टाइम दें, यानी कि उसको पेट के बल पे लेटाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जब बच्चा जग रहा होता है उस टाइम करनी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जो मोटर पावर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे की सारी जो मांसपेशी है, पैरों की, हाथों की, गर्दन की, सब में बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग आता है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चा जग रहा होता है उस स्थिति में बच्चे को पेट के बल पे लेटा है, जिसे टमी टाइम कहा जाता है। और इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट तीनों पार्ट इस तरह से फॉलो करते हैं, पोजीशन, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, तो अधिकतर केसेस के अंदर बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। बहुत ही कम केसेस होते हैं, लगभग 5 से 10% जिसमें ठीक नहीं हो पाता, उनमें कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ केस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अंत में टेक होम मैसेज, टॉर्टिकोलिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अधिकतर केसेस में आसानी से ठीक की जा सकती है। मसल, एक तरफ की मसल जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है, उसकी टाइटनिंग की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस में यहाँ पे सूजन भी, स्वेलिंग भी आपको दिखाई दी जा सकती है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और पोजीशन के द्वारा ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।